यार अभी मेरे तीन बड़े खास दोस्त हैं, है ना, अंकिता, विक्की और मुनावर। और अब जो हो रहा है वो बड़ा बड़ा क्रेजी हो रहा है। लेकिन अब जो गलत हो चुका है उसे सही करने का तरीका क्या है ना? उसे सही करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप उस चीज़ों को मान लो और उस पर रिडेम्पशन करो। रिडेम्पशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संजू बाबा, है ना। जब वो बाहर निकल गए, है ना, मैं भी रिडेम्पशन गोत्रू कर चुका हूँ लॉकअप में। भाई सबसे पहले तो हैंडसम मांग कहूँगा मैं आपको, बड़े याहू लगते हो। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। शादी की भी ये सभी बधाइयां। शुक्रिया। वो शादी का एक ग्लो है एक्चुअली, अच्छी लग रही है। आपने बहुत कुछ चेंज किया है, हेयर स्टाइल में पूरा कुछ, बहुत कुछ। तो मैम ने कभी जी एकदम अभी क्या ना, सोबर हो जाना चाहिए, पता है, एक वक्त के बाद सिंपल और सोबर हो जाना चाहिए। और आई थिंक वैसे ही काम मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक धीरे धीरे आप में एक ठहराव आ ही जाता है, तो वो आ रहा है। यार मैं ना पार्टी करवाता हूँ, मैं पार्टी लवर जरा भी नहीं हूँ। एक ज़माने में बहुत पार्टी करता था, लेकिन अब मैं लोगों को पार्टी करवाता हूँ। और बहुत टाइम बाद मैं एक्चुअली एक पार्टी में आया हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों से मिलूंगा, आप सबसे मिलूंगा, तो आई थिंक उसकी एक अलग एक्साइटमेंट, एक रीयूनियन टाइप फीलिंग है। यार अभी मेरे तीन बड़े खास दोस्त है ना, अंकिता, विक्की और मुनावर। और अब जो हो रहा है वो बड़ा बड़ा क्रेजी हो रहा है, है ना। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार जिस तरह अंकिता और विकी का डाउनफॉल आया और किस जिस तरह से उन्होंने उसे फाइट किया, उसे एक लेसन की तरह देखा और उसे सीखा और उसे उभरा, यू नो, आई थिंक अभी मुनावर का भी वही टाइम है, उसका थोड़ा डाउन टाइम चल रहा है। अब मेरे ख्याल से एक ही तरीका है उसके लिए इससे बाहर निकलने का, वो है रिडेम्पशन का तरीका। अगर वो हर चीज़ों को मान लेता है जो मान लिया है और रियलाइज़ कर देता है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि यार जो गलत है वो गलत है ना। लेकिन अब जो गलत हो चुका है उसे सही करने का तरीका क्या है ना? उसे सही करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप उस चीज़ों को मान लो और उस पर रिडेम्पशन करो। रिडेम्पशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संजू बाबा, है ना। जब वो बाहर निकल गए, है ना, मैं भी रिडेम्पशन गोत्रू कर चुका हूँ लॉकअप में, तो मेरे ख्याल से अभी वही एक तरीका है। और आई होप एंड आई प्रे कि वो उससे बाहर निकल जाए। बाकी हम सब तो है ही उसे प्यार करने के लिए। हाँ, 100% टफ है यार, क्योंकि मैं तीनों को बहुत करीबी से जानता हूँ, बहुत बारीकी से जानता हूँ, और बहुत ज़्यादा टफ है ना। क्योंकि आप मतलब विक्की को देख लो, मेरे ख्याल से विक्की के सामने अभी तक कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है ना। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ठीक है, और उसकी जर्नी भी बहुत ही ख़तरनाक रही है। अब देखते हैं ये तीनों के बीच कौन क्या कैसे कौन आगे निकल जाता है, अब वही देखना है। अली भाई का क्या कुछ नया आ रहा है, हम लोग बड़ा वेट कर रहे हैं। यार मेरी फिल्म आ रही है, डेब्यू फिल्म, अब उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। डबिंग चल रही है अब, आई थिंक 2024 के लिए मेरा इंतज़ार है, और आई होप लोगों को मेरा एक नया रूप देखने मिलेगा और मज़ा आएगा। जी किस तरीके की प्लानिंग है यार? न्यू ईयर में परफॉर्म कर रहा हूँ हैदराबाद में, है ना, जो इंडिया का नंबर वन क्लब है। लास्ट ईयर भी मैंने वहीं परफॉर्म किया था, और अपनी वाइफ के साथ रहूँगा इस बार, और देखते हैं। अब आई होप लास्ट टाइम 10,000 लोग आए थे, आई होप इस बार उससे ज़्यादा लोग आए, देखते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू।